आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं राघोगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह विश्व प्रसिद्ध माँ बगलामुखी दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी के दर्शन किए। तत्पश्चात हेलीपैड पहुंचकर व्यवस्था देखी। हम आपको बता दें कि 12 सितंबर को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ माँ बगलामुखी मंदिर पहुंचेंगे। उसके पश्चात वह बदौर में आयोजित आम सभा को संबोधित करने के लिए बदौर के लिए रवाना होंगे। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री के द्वारा कार्यकर्ताओं से व्यवस्था को लेकर एवं तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। हम सबके नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पहली बार जब से उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद पहली बार उनका आगमन आगर जिले में होगा और आगर जिले का हर एक किसान, हर एक नागरिक कल कमलनाथ जी के स्वागत के लिए सड़कों पर खड़ा रहेगा और उनका बहुत जोर से स्वागत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कमलनाथ जी के सरकार के 15 महीने थे, उन्होंने उन 15 महीनों में वो काम करके दिखाया जो भाजपा की सरकार 15 साल में नहीं कर पाई। हम बात करें कर्ज माफी की, तो आगर जिले के हर एक किसान का कमलनाथ जी ने 2 लाख तक का कर्जा पूरा माफ किया। साथ में आज के समय सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, तो जो अतिवर्षा से और प्रकोप से जो नुकसान सभी की फसल में हुआ है, यही नुकसान पिछले साल भी हुआ था, लेकिन पिछले साल जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, जब मैं स्वयं प्रभारी मंत्री था, तो अकेले हमने आगर जिले के लिए पिछले साल 300 करोड़ का मुआवजा दिया था। 300 करोड़ का, मैं बात बीमा की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सहायता राशि की जो किसानों को मिला था आगर जिले में 300 करोड़ का। आज भी वही स्थिति है, फसल की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन भाजपा की ये खरीदी हुई सरकार ने तो किसानों को 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया है। हम बात करें 600 करोड़ की नल जल योजना के बारे में, जिसके माध्यम से आगर जिले के हर एक गांव में नल के माध्यम से पानी मिलेगा, ये ऐतिहासिक कदम कमलनाथ जी का था आगर जिले के लिए। और इस योजना के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में आगर जिला पहला जिला होगा जहां पर हर गांव को नल के माध्यम से पानी